आज मैं इंजन के पार्ट्सों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इंजन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनकी वर्किंग हम देख के समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स क्या वर्क करता है, किस तरीके से मूव होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा पिस्टन की। किसी भी इंजन का पिस्टन स्ट्रोक को पूरा कराने में मदद करता है, और आप लोग मेरी वीडियो पिछली देख चुके होंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक से ही हम किसी भी इंजन में पावर जनरेट करते हैं, और उस पावर से हमारी गाड़ी चलती है, या हम किसी भी उससे मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं पिस्टन के जरिए। तो पिस्टन, ये पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के साथ दिख रहा होगा आपको, और ये खाली कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन में जुड़ी होती है, और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का काम कनेक्टिंग रॉड करती है। अब बात करते हैं कैमशाफ्ट की। कैमशाफ्ट का काम होता है वाल्व को ऑपरेट करना, किस टाइम पे कौन सा वाल्व खुलना है, किस टाइम पे किस वाल्व को बंद करना है। ये टाइमिंग एक सभी इंजन में अपने अपने हिसाब से सेट की होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बाल्ब क्या होते हैं। बाल्ब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप ये कैमशाफ्ट को देखिए, ये इसमें गियर लगा दिख रहा होगा आपको। ये गियर चेन के साथ क्रैंकशाफ्ट से जोड़ा जाता है, और क्रैंकशाफ्ट जब घूमती है स्ट्रोक के दौरान, तो ये कैमशाफ्ट को ऑपरेट करती है और हमारे वाल्व ऑपरेट होते हैं। ये हो गई कनेक्टिंग, वो सॉरी क्रैंकशाफ्ट है। इसमें हमारी कनेक्टिंग रॉड को जोड़ा जाता है, और इसकी एक तरफ फ्लाईव्हील होता है और एक तरफ टाइमिंग गियर लगाते हैं। ये कैम एक क्रैंकशाफ्ट ये भी है, ये हमारा फ्लाईव्हील होता है। ये क्रैंकशाफ्ट के एक और लगता है, ये वजन में बहुत भारी होता है। ये स्ट्रोक को कंप्लीट कराने में काफ़ी मदद करता है। इसे पावर को स्टोर करने के लिए भी इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है हमारा सिलेंडर ब्लॉक। ये आपको चार होल टाइप के दिख रहे हैं बड़े बड़े। इसके अंदर हमारा पिस्टन चलता है, और ये हेड हेड पर आपको ये छोटे छोटे होल दिख रहे हैं। ये लुब्रिकेशन और स्टड नट के लिए इन होलों को रखा जाता है। यह है हमारी टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट को जोड़ने का काम करती है, और ये इस तरीके से कम्प्लीटली असेंबली इस तरीके से दिखती है। ये देखिए, ऊपर कैमशाफ्ट के बड़े गियर लगा है, और वो क्रैंकशाफ्ट के छोटे गियर से टाइमिंग चेन के द्वारा जुड़ा हुआ है। कैमशाफ्ट में देखिए आपको ये कैम दिख रहेंगे जो बाल्ब से अटैच हैं, और पिस्टन दिख रहा होगा, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट। इन सबको ये इंजन टाइमिंग से चलता है बिल्कुल। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा। अगले वीडियो में आपको एक एक पार्ट्सों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। और हम बाल्बों की बात करें तो बाल्ब इस तरीके से होते हैं, और ये उसकी स्प्रिंग के साथ दी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इसी तरीके से दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Yeah!